दोस्तों, आज की कहानी है अगर औरत एक औरत का साथ दे। कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अतुल की नौकरी लगते ही उसकी माँ सरला जी अतुल की शादी के लिए रिश्ते देखने लगी। अतुल जब 17 साल का था तभी उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद सरला जी ने अतुल को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। ये सफर इतना आसान नहीं था, लेकिन एक माँ के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। सरला जी अब बेटे का विवाह करा के घर गृहस्थी की चिंता से मुक्त होकर सुकून से जीना चाहती थी। कुछ दिनों के बाद अतुल अपनी सहकर्मी निशा को माँ से मिलवाने के लिए ले आया। सरला जी अतुल और निशा के हाव भाव और आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें करते हुए देख कर समझ गई कि उन दोनों के बीच दोस्ती से कुछ ज्यादा ही लगाव है। निशा के जाने के बाद सरला जी ने बातों ही बातों में अतुल से पूछा कि क्या तुझे निशा पसंद है, तो अतुल ने भी शर्माते हुए हाँ कह दिया। सरला जी को भी निशा बहुत पसंद आई थी। उन्होंने जल्द ही निशा के घर वालों से मिलकर अतुल और निशा की शादी करवा दी। निशा के आ जाने से परिवार में एक अलग ही रौनक आ गई थी। घर का माहौल बेहद खुशनुमा बन गया था। एक दिन सरला जी बाजार से सब्जी लेकर घर पहुंची तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। वह जैसे ही अंदर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे और बहू में किसी बात पर बहस हो रही थी और देखते ही देखते अतुल ने अचानक से निशा पर हाथ उठाया। निशा के गोरे गोरे गाल पर अतुल के उंगलियों के निशान पड़ चुके थे। वह स्तब्ध होकर अतुल की तरफ हैरानी से देख रही थी और उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू बह निकले थे। सरला जी ने जब यह दृश्य देखा तो उनका खून खौल उठा। सब्जियों से भरा थैला उनके हाथों से छूटकर नीचे फर्श पर गिर पड़ा। वह तेज कदमों से अतुल के पास पहुंचे और गुस्से में अतुल से बोली, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहू पर हाथ उठाने की? अपनी अर्धांगिनी पर हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अतुल अचानक माँ को सामने देखकर सकपका गया और हड़बड़ाते हुए बोलने लगा, माँ आप नहीं जानती कि बात क्या है, और ऊपर से यह मुझसे बहस कर रही थी, अतुल ने सफाई देते हुए कहा। सरला जी ने समझाते हुए कहा, पति पत्नी में नोक झोंक तो होती ही रहती है, लेकिन कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं होती कि उसके लिए पत्नी पर हाथ उठाया जाए। ऐसे ही यदि तुम कोई गलती करो और तुम्हारी पत्नी तुम पर हाथ उठाए तो तुम्हें चलेगा क्या? निशा सिर झुकाए चुपचाप रो रही थी। अतुल ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया। सरला जी ने आगे कहा, पति पत्नी के रिश्ते में नोक झोंक होना और रुठना मनाना ये सब तो इस रिश्ते की खूबसूरती है, लेकिन पत्नी पर हाथ उठाना बिल्कुल ही गलत बात है। मैं भी उम्मीद करती हूँ कि तुम आगे से मेरी परवरिश पर कभी सवाल नहीं उठने दोगे। अतुल ने निशा और सरला जी से माफी मांगते हुए कहा, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए, गुस्से में मेरे सोचने की क्षमता ही खत्म हो गई थी। मैं मानता हूँ हाथ उठाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। निशा ने गर्व से अपनी सास की तरफ देखा और धन्यवाद देते हुए बोली, अगर हर घर में एक माँ अपने बेटे को इसी तरह समझाए तो हर घर में हमेशा खुशहाली बनी रहे। दोस्तों, इसी तरह अगर हर घर में एक औरत दूसरी औरत के खिलाफ होते अन्याय को देखकर आवाज उठाए तो कभी भी औरत की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।